नमस्कार साथियों, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर की ये 8वीं क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 80 रुपए में वस्तु खरीदता है और 120 रुपए मूल्य अंकित करता है, तो सीपी हो गया 80, एमआरपी हो गया 120, फिर 40% की छूट देता है। अब ये जो 40% की छूट है ये किस पर मिलेगी? हमने आपको हमेशा बताया छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। पिछले वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी समझ में आएगा। इसके बाद देखिए, सीपी आपका 80 हो गया, एमआरपी 120 हो गया, तो एमआरपी पर ही 40% की छूट मिलेगी। तो एमआरपी है 120 गुणे 40% की छूट मीन्स 60/100 बराबर क्या मिलता है? अंकित मूल्य पर जो बट्टा देते हैं या छूट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य या एसपी। तो 120 गुणे 60/100 बराबर एसपी, ठीक है। अब ये एसपी हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 72 रुपये। इसके बाद देखिए, सीपी 80 है, एसपी 72 है, उसे कितना परसेंट लाभ या हानि हुई? तो क्रय मूल्य खरीदा 80 में था, बेचा 72 में है, इसका मतलब नुकसान हो गया, हानि हुई। तो प्रतिशत हानि का सूत्र होता है, लिख लीजिएगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि इन दोनों, हानि कैसे निकलेगी? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को घटाने के बाद 80 और 72 को डिफरेंस 8 हो गया, 8 × 100 / क्रय मूल्य 80 है, तो ये आ गया 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, इस पर 8% और 8% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो विक्रेता को लाभ या हानि कितनी हुई? तो पहले तो हम देख लेते हैं SP1, पहला विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 1। अंकित मूल्य पर ही हमने आपको बताया कि बट्टे दिए जाते हैं, तो 900 गुणे 8% का बट्टा, 100 - 8 92/100 इंटू 100 क्योंकि दो क्रमागत बट्टे हैं 8% के, तो 2 × 92/100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 761.76 आएगा। फिर अगली बार एक ही बट्टा दिया जाता है 16% का, तो SP2 निकलेगा 900 × 100 - 16 84/100, तो 756 रुपये आया। अब वो पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि हुई? पहले बेचा था 761 में, अब बेचा आपने 756 में, इसका मतलब नुकसान हुआ, हानि हुई, तो हानि आ जाएगी 5.76 रुपये। अब देखिए, एक व्यापारी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 35% का लाभ हो, परंतु नकद देने पर वह 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। तो देखिए, 35% का लाभ हो तो ये जो लाभ कब होगा? जब हमें क्रय मूल्य पता हो। तो हमने सीपी मान लिया कि 100 है, ठीक है। तो और ये ध्यान रखिए, वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य क्या है? जब उसे 35% का लाभ हो जाए, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य अगर पता नहीं है तो आपको लाभ नहीं निकाल सकते, कितने में खरीदा आपने तभी तो आप उसका लाभ पता कर पाएंगे। खरीद मूल्य पता ना हो तो कैसे लाभ पता होगा? तो देखिए, सीपी हमने 100 मान लिया, तो एमआरपी कितनी हो गई? क्योंकि अंकित कितना करता है, 35% लाभ ले करके वो अंकित कर देता है। 100 में खरीद के लाया, 35% लाभ ले करके 135 रुपये उसने उस पर प्रिंट लिख दिया कि 135 की बिकेगी, ये हो गई एमआरपी। अब अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है। तो 135 गुणे 10% का बट्टा है, 100 - 10/100 बराबर क्या प्राप्त होगा? सेलिंग प्राइस। हमने हमेशा बताया आपको पिछले वीडियो में भी, अंकित मूल्य पर जो छूट देते हैं या बट्टा देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य पता चलता है, ठीक है। जैसे हम दुकान पे गए, किसी वस्तु पर मूल्य अंकित है, उस पे हमने कहा यार इतने परसेंट की छूट दो, उसने छूट दे दी,
फिर जितने रुपए में बेचेगा वही तो उसका विक्रय मूल्य है ना। तो अंकित मूल्य पर छूट लेने के बाद ही एसपी हमें प्राप्त होता है, ये हो गया। इसके बाद हमें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, अब आप बताएं कि लाभ कितना होगा। लाभ पता चलेगा या हानि पता चलेगी ये सीपी और एसपी के डिफरेंस से। सीपी है 100, एसपी है, एसपी आपने सॉल्व किया 121.5 आया, इन दोनों का डिफरेंस 21.5 आ जाएगा। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। और अगर आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर सीपी आपका क्रय मूल्य 100 है तो लाभ परसेंट या लाभ दोनों इक्वल होंगे, हानि परसेंट या हानि इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो नीचे 100 आता है उससे ऊपर का 100 कट जाता है, ये देखिए। और अगर क्रय मूल्य अलग है तो एक ही नहीं होंगे, लाभ परसेंट अलग होगा, लाभ अलग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य 200 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, बट्टा प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो अंकित मूल्य और जितने में बेचा है, जितना अंकित किए थे दुकानदार 200 रुपये, बेचा उसने 120 रुपये, मतलब नुकसान कर लिया, उसने छूट दी हमें। तो वो छूट कितनी दी, जब 200 को 120 में माइनस करेंगे, यानी कि बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 200 माइनस 120 आ जाएगा 80 रुपये। अब हमें निकालना है बट्टा परसेंट। तो बट्टा परसेंट का सूत्र होता है बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, जिस प्रकार से लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि परसेंट का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। उसमें नीचे क्रय मूल्य इसलिए रखते हैं क्योंकि लाभ और हानि डिपेंड करती है क्रय मूल्य पर, और बट्टा डिपेंड करता है अंकित मूल्य पर। तो बट्टा है 80 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य है आपका 200। वैल्यू पुट कर दीजिए, 40% आ गया, ठीक है। किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाता है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ा के 15% कर दिया जाए, वो ये नहीं कह रहा कि छूट को 15% बढ़ा दिया जाए, वो ये कह रहा है छूट बढ़ा करके या 15% कर दी गई, 10 से 15 हो गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर दो मद हैं, अनुपात समानुपात से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी इजी है, ट्रिकी मेथड से करते हैं। एक तरफ लिखे हमने छूट और एक तरफ लिखा हमने लाभ परसेंट। छूट है 10%, लाभ होता है 20% का। छूट बढ़ा के अगर 15% कर दी गई तो लाभ लाभ x मान लिया, तो x की तरफ ये तीर का निशान लगा दीजिए। जब 10% छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है दुकानदार को, अगर वो 15% की छूट देगा तो लाभ हमेशा उसको कम होगा, छूट ज़्यादा देगा तो लाभ कम होगा, तो कम की तरफ तीर का निशान लगा देंगे 10 की तरफ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x बटे 10 बराबर 10 बटे 15, करणी गुणा करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 13.3%। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत थोड़ा सा डेंजरस भी है। यदि दो पंखों का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% हानि पर दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखिए दोनों पंखों का विक्रय मूल्य बराबर है, SP1 बराबर है SP2। अब विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ या 100 माइनस हानि बटे 100। तो CP1 गुणे 10% की हानि है तो 90/100 बराबर SP2 क्या होगा, क्रय मूल्य CP2 गुणे 5% का लाभ है तो 105/100। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती है 100 में माइनस कर देते हैं। अब CP1
पहला क्रय मूल बटे सी पी टू दूसरा क्रय मूल बराबर नीचे के 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, 105/90 बराबर इसको सॉल्व करेंगे 7/6 आ जाएगा, यानी कि सी पी वन कितना है 7, सी पी टू है 6, तो कुल क्रय मूल कितना हो गया 7 और 6 13। यदि सी पी वन 7 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये देखिए, एक को 10% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कितना है, पहला क्रय मूल्य है 7, तो 7 को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 90/100 करेंगे, 7 × 90/100 आ जाएगा 6.3। यदि दूसरा क्रय मूल्य 6 है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 6 × अब 5% लाभ पर बेचा जाता है, ये देखिए, तो यहाँ 6 × 105/100 बराबर 6.3। अब ये कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6.3 × 6.3 12.6 आ गया। अब देखो कुल सीपी मिल गया, कुल एसपी मिल गया, क्योंकि हम अब देखिए, अब इससे पता चल जाएगा क्रय मूल्य था 13 और विक्रय मूल्य 12.6, इसका मतलब हानि हुई। तो अब आपको निकालना है हानि परसेंट, तो हानि परसेंट का सूत्र होता है हानि गुणे 100 / क्रय मूल्य। तो हानि कैसे पता करेगी, जब सी पी और एस पी को माइनस करेंगे, 13 − 12.6 × 100 / और नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, सी पी बराबर है 13, वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, तो 3 सही 1/13% आ रहा है आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें ये याद रखा करिए, हमें कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए लाभ या हानि गुणे 100 / क्रय मूल्य, ये फार्मूला लगेगा। अब ये लाभ या हानि आप कैसे पता कर पाओगे, जब सी पी और एस पी दोनों हमें पता हो, इसीलिए हमने सी पी और एस पी दोनों को निकाला है, और वो भी कुल, और नीचे क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए टोटल, ठीक है ना। तो ये है इस तरह से, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही कर लीजिए आप, विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, एस पी वन बराबर एस पी टू, और दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये इससे आ जाएगा क्रय मूल्य दोनों के, उन दोनों का टोटल कर दीजिए, फिर विक्रय मूल्य उससे निकाल लीजिए, कुल टोटल सी पी टोटल एस पी, फिर उसके बाद प्रतिशत हानि का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी ये क्लास थी वो सब हमने प्ले लिस्ट में ऐड कर दी हैं, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो से लगा करके अंतिम वीडियो तक पूरे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है।